कल की गई कोई खबर ही नहीं उसकी, ना जाने किस हाल में होगी। बस एक बार उसके मुंह से सुन लूं कि खुश है तो मुझे भी सब्र आ जाए। अम्मी वो बोलो। हाँ अब्बू को उनकी दवाइयां लाने का कह दिया था। बेटा, कह दिया था मैंने उनसे कि अपनी दवाइयां लेते हैं। उनको एक बार कॉल करके कह दें, वो भूल जाएंगे वरना। परेशान मत हो, फोन करके उन्हें कह दूंगी कि दवाइयां लेकर आए। रख दो, पी लूंगा। मैंने कपड़े रख दिए, आप चेंज कर लो। क्या हुआ? कुछ नहीं, क्यों? आपका रवैया बहुत बदला हुआ लग रहा है कुछ दिनों से। आप अपनी हद में रह लें, मेरा रवैया खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैंने कौन सी हद पार की? मुझसे बदतमीजी करना, मेरी जासूसी करना, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये अगर हद पार करना नहीं तो और क्या? हर बीवी ये करती, क्योंकि हर बीवी प्यार करती। I'm sorry, लेकिन मुझे ऐसा प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं शादी से पहले भी आजाद था और शादी के बाद भी आजाद ही रहूंगा। और ये जो तुम शादी का नाम यूज करके मुझे ब्लैकमेल करके चुकाना चाहती हो ना, ये मैं नहीं होने दूंगा। क्या हो गया है तुम्हें? कौन झुका रहा है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बेवकूफ ना समझूं? जहां पे तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। मेरी जाती जिंदगी में ध्यान देने से बेहतर है जाओ जाके घर पे काम काज में ध्यान दो। जाती जिंदगी? मुझे निकाह में लाने के बाद तुम्हारी कोई जाती जिंदगी नहीं। बदतमीजी करने पे भी तुम ही मजबूर करते। क्यों ऐसे कर रहे हो जुनैद? मैंने कौन सी गलती की है? मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो? बंद करो अपने ये ड्रामे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि पहले जाके घर के फर्ज पूरे करो, फिर आके मुझसे बात करना। जी आ रहे भाभी। खुदा के वास्ते ड्रामे नहीं करना, ना बाहर ना कमरे के अंदर। मैं जानती थी कि तुम भी जाग रहे हो। हेलो जुनैद। जुनैद नहीं, उसकी बीवी बात कर रही। कॉल काटने की कोशिश मत करना। तुम दोनों जो मेरी पीठ पीछे तो तमन्ना का खेल खेल रहे हो, तुम्हें तो मैं आकर देखूंगी और तुम्हारा मुंह तो। और तुमसे पहले जुनैद की खबर लूंगी। और तुम छोड़ दो, कर लूंगा मैं खुद, हट जाओ। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही खिदमतें हो रही हैं। दिल से कर रही हूँ, अच्छा लगता है ये सब करना इसलिए। हेलो हेलो, फोन किया तो बात भी करो। फलक पीर, क्यों फोन किया तुमने?
तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी आज। अपनी मर्जी से शादी करके खुश हो तुम, तो हमारी याद क्यों आ रही है तुम्हें? अपनों से कोई कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, उनकी याद तो हमेशा आती है ना, दिल में रहती है। कौन से अपने? तुम, अब्बू, अम्मी, दादी। दादी? दादी तो चली गई अबीर, वो हमें छोड़ के चली गई अल्लाह के पास। क्या फलक, क्या कह रही हो तुम? दादी कहाँ कहाँ गई दादी? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद वो खुद को संभाल नहीं सकी, तुम्हारी हरकतों का रोंगटे से लगाकर चली गई वो इस दुनिया से। मुझे बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? अब्बू की हालत तो इस वक्त बहुत खराब होगी ना? हाँ, मगर मैं और अम्मी संभाल रहे उनको, बहुत गुस्सा है उन्हें तुम पे। दादी की मौत का जिम्मेदार वो तुम्हें ही ठहराते हैं। अल्लाह, और अम्मी की भी हालत खराब होगी। मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे? तुम अम्मी को संभाल रही हो ना? बहुत शुक्रिया तुम्हारे मशवरे का, आइंदा यहाँ फोन मत करना। फरक, मेरी बात सुनो। देखो, फोन मत करना, मेरी बात सुनो। हबीर बेटा, कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? मेरे ठीक होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? फलक ने मुझे बताया कि दादी चली गई, दादी नहीं रही अम्मी। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी हमें छोड़ के चली गई, अम्मा भी इस दुनिया में नहीं रही बेटा। दादी, मेरी दादी। रख दे अम्मी, अबू ने देख ले तो एक नई कयामत खड़ी हो जाएगी। अभी बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हाँ, और सुनो, अपना बहुत ख्याल रखना तुम। हाँ, क्या है, क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हो? जब बार बार कॉल कर रहा हूँ तो रिसीव कर लो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, और कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं तुमसे कोई ताल्लुक भी नहीं रखना चाहती। कल ऐसा क्या किया मैंने? कल तुम्हारी बीवी ने कॉल करके मेरी जितनी बेइज्जती की है, उसके बाद तो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए थी मुझे कॉल करने की। कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती मैं तुमसे, दोस्ती का भी नहीं। आइंदा मुझे कॉल मत करना, समझे तुम? क्या हुआ? मैसेज तक नहीं देख रही है। तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है भाई। तो याद रखना, तूने अहद किया था झूठी को उसके घर तक पहुंचाएगा। यार, बट एटलीस्ट बात तो करे हूँ मुझसे। करेगी भाई, जरूर करेगी वो बात। कैसे करे? सिंपल है, घर पहुंचो। कल तुम्हारी बीवी ने कॉल करके मेरी जितनी बेइज्जती की, उसके बाद तो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए थी मुझे कॉल करने की। आज के बाद मुझे कॉल मत करो, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ, दोस्ती का भी। हाँ
Hi everyone, this is Kubra Khan. Do subscribe to the ARY channel on YouTube to watch episodes of Cynthia Han or any other update.